अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दोपहर के 2:30 हुआ चाहते हैं। आप उर्दू खबरनामा देख रहे हैं गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बरारास्त अपने मेजबान सईद रूफ फारूकी के साथ। उर्दू खबरनामे में कुछ अहम खबर आया चाहती है। जम्मू कश्मीर के अंदर बैक टू विलेज प्रोग्राम्स चल रहे हैं, इसके साथ साथ डेवलपमेंट को लेकर भी बात करेंगे। कई इलाकों में लोगों को मुश्किलात है, पर जो बुलेटिन का आगाज करेंगे नमूनिया के हवाले से, क्योंकि वादी कश्मीर के अंदर सर्दियों के आयाम बढ़ रहे हैं और सर्दियों में इजाफा होते ही यहाँ पे जो दमक के मरीज हैं उनमें इजाफा होता है, यानी खांसी के जो मरीज हैं उनमें इजाफा होता है। और श्रीनगर के बड़े अस्पतालों के साथ साथ यहाँ के ज़िला अस्पताल या सब जिला अस्पतालों में बीमारों की काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। नमूनिया भी एक ऐसी बीमारी है जो ज़्यादातर सर्दियों के आयाम में ही पाई जा रही है, अगर हम वादी कश्मीर की बात करें। पर इस साल बताया जा रहा है कि बीमारी में काफ़ी ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो इस बीमारी में मुबतला हो रहे हैं। और डॉक्टर्स जो है वो एडवाइस कर रहे हैं लोगों को, बीमारों को, कि वो किस तरह का एहतियात इन सर्दियों के आयाम के दौरान करें, किस तरह वो अपने आप को इस बीमारी से बचाए, क्योंकि श्रीनगर के अस्पतालों के साथ साथ ज़िला सदर अस्पतालों में भी इस बीमारी को लेकर देखा गया है कि जो बीमार हैं उनका काफ़ी ज़्यादा रश जो है वो उमड़ आया है। फैसल रियाज से हम तफसील लेंगे इस बीमारी को लेकर कि सरकार ने किस तरह की तैयारियां लेके रखी है सरकारी अस्पतालों के अंदर। फैसल, नमूनिया बीमारी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, अगर हम वादी कश्मीर की बात करें। आज इस पे जो है तकरीबात भी हो रही है आलमी सतह पर जम्मू कश्मीर की जब हम बात करें, यहाँ के बड़े अस्पतालों से लेकर जो ज़िला अस्पताल है या सब ज़िला अस्पताल है वहाँ पे किस तरह की तैयारियाँ अस्पतालों के अंदर रखी गई है, क्योंकि सर्दियों के आयाम में देखा जा रहा है कि ये बीमारी जो है ज़्यादा ही जाल फैला रही है वादी कश्मीर के अंदर। देखिए बिल्कुल, जहां तक नमूनिया का ताल्लुक है तो आपको याद होगा कि जैसी सर्दी यहाँ पे आती है तो उसके बाद छाती के जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ जाती है और उसके साथ ही छाती के अमराज की जैसी सीवियरिटी हो जाती है वो फिर नमूनिया बन जाता है। तो जहां तक आज की अगर हम बात करें तो जो एक डाटा सामने आया है उसके मुताबिक हर साल 3% का इजाफा नमूनिया के पेशेंट्स में होता है। और इस बार भी ये भी कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ जो हस्पताल जो यहाँ के है, चाहे वो सिकिम्स की बात करें या जो सीडी हॉस्पिटल है वहाँ की बात करें, तो वहाँ पे डाटा के मुताबिक हर रोज वहां पे 100 पेशेंट्स अगर छाती के अमराज के आते हैं उसमें से 10-20 ऐसे होते हैं जो कि नमूनिया में मुबतला रहते हैं। और अब विंटर्स आने वाले हैं तो विंटर्स में ज्यादा ही बढ़ जाता है, क्योंकि विंटर्स में जो है ऑक्सीजन लेवल अक्सर कम हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी की वजह से ही ये फिर जो नमूनिया जो है वो बन जाता है, जिसके बाद काफी ज्यादा मुश्किल आती है उन मरीजों को होती है जो कि छाती के मर्ज में मुबतला होते हैं। और खासकर अगर बच्चों की बात करें या बुजुर्ग लोगों की बात करें तो उनके लिए ज्यादा ही माहौल रहता है। तहम अगर आज पूरे आलमी सतह पे जो है इसका दिन मनाया जा रहा है, तहम हम ये भी कह सकते हैं कि उतनी ज्यादा तैयारियां जम्मू कश्मीर के हेल्थ सिस्टम में इसके हवाले से नहीं रहती है, क्योंकि आए रोज ये भी आपको याद होगा कि अभी फिलहाल 3% ही इजाफा इसमें हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो एक अलार्मिंग सिचुएशन है वो हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि हर साल इस तरीके का माहौल यहाँ पे बनता है जब नमूनिया जो है आम रहता है विंटर्स के मौसम में, चाहे वो बच्चों की बात हो या उसके साथ साथ जो बुजुर्ग लोग उनकी बात हो, तो उसमें उनमें नमूने ज्यादा ही पाया जाता है। जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि सिकिम्स हो, सीडी हॉस्पिटल या बाकी जो हमारे दूर दराज इलाकों में जो भी अस्पताल है वहां पे भी आए रोज इस तरीके के पेशेंट्स का इंद्राज होता है। और जो बड़े बड़े हॉस्पिटल अभी आप अगर वहां पे 100 या 200 मरीज दिन में आते हैं छाती के, उसमें से 20 या 30 या 10 भी ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि पहले से नमूनिया में मुबतला रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हम जहां तक आपने सवाल किया कि सरकार की क्या कुछ तैयार है, तो मुझे नहीं लगता कि इसके हवाले से किसी तरह की कोई तैयारी अभी तक हुई है, क्योंकि विंटर सब आने वाले हैं, आज ही सुबह शाम सर्दी बहुत ही ज्यादा रहती है और खतरा यही रहता है कि जो छाती के अमराज छाती की बीमारी में मुबतला होने के खतरा ज्यादा होते हैं। तहम उतनी ज्यादा हम कह सकते हैं ना ही कोई प्रिकॉशनरी मेजर अभी इशू किए गए हैं, ना ही किसी तरह की कोई हिदायत दी गई है कि किस तरीके से उन पेशेंटों को रहना है जो इसके लपेट में आ सके। तहम जो जनरली जो एक इंस्ट्रक्शन दी जा रही है डॉक्टर्स की तरफ से या जो माहिर अमराज छाती है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बस जो बुजुर्ग लोग हैं वो घरों में ही विंटर्स में बैठे, या इसके साथ साथ जो छोटे बच्चे उनको सुबह और शाम के अवकात में सर्दी ठंडी के अवकात में आप अंदर ही रखें। फैसल, एक इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि
इसमें ज्यादातर जो लोग हैं गांव के अंदर ही ज्यादातर लोग पाए जा रहे हैं कि जिनमें ये छाती के अमराज में जो मुब्तला होते हैं। पर जब हम जिला सदर अस्पतालों की बात करें या सब जिला सदर अस्पतालों की बात करें, वहां पे उस तरह के इंतजाम नहीं होते। और जब हम वादी कश्मीर की बात करें, बड़े दो अस्पताल है यहाँ पे श्रीनगर के अंदर, एक तो चस्डीज हॉस्पिटल है और एसएमएच हॉस्पिटल है। चस्डीज हॉस्पिटल में तो ज्यादा ही लोग जाते हैं और थोड़े बहुत जो बीमार हैं वो एसएमएच हॉस्पिटल जाते हैं। बाकी अस्पतालों में इस बीमारी को लेकर उस तरह के इंतजाम नहीं है जिस तरह होने चाहिए। और जैसे आप कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये कि जो हर साल जो है फिगर्स बढ़ते जा रहे हैं, खासकर सर्दियों के आयाम में, तो अस्पतालों के अंदर पहले ही सरकार को इस हवाले से मुतहरिक रहना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों के अंदर या सब डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों के अंदर भी। देखिए, अगर ये इजाफा जो है वो कम ही हो रहा है, हर साल 3% का ही इजाफा हो रहा है, लेकिन सरकार के लिए हम कह सकते हैं कि मैसेज होनी चाहिए थी कि अगर अभी कम ही है तो, लेकिन बड़े अस्पताल है बढ़ा देते हैं, बल्कि जो बाकी जिला हॉस्पिटल है चाहे वो वहाँ पे फैसिलिटी बढ़े, ताकि छाती के मर्ज में मुब्तला पेशेंट है उसको श्रीनगर ना आना पड़े, उसको वहीं पे अपने इलाके में उसको ट्रीटमेंट मिले। लेकिन आपको याद ही होगा कि हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो किस कदर हम कह सकते हैं उतना अब तो हम कह सकते उतना अपग्रेड नहीं है कि जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो दूर दूर इलाकों से लोग श्रीनगर आते हैं उनको वो मिला जाए अपने इलाकों में ही मिलेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी थोड़ी बहुत पेन लेनी होगी और इसके हवाले से सोचना चाहिए कि अगर इस बार फिगर्स कम ही आ रहे हैं, 3% बढ़ रहा है ये न्यूमोनिया, लेकिन आगे जाके अगर इसको रोकने की कोशिश नहीं की या मेजर हमने सरकार ने नहीं लिया तो कहीं ना कहीं आगे जाके जो है सीवियर बन सकता है, इसकी तादाद बढ़ सकती है, जिसके बाद आम लोगों की जाने भी जा सकती है। क्योंकि जैसे ही ऑक्सीजन कम होता है तो ऑक्सीजन कम होने के बाद ही ये नमूना जो है जाहिर होता है, जिसके बाद जो पेशेंट्स होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है। तो जहां तक गाँव बहुत शुक्रिया फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के लिए। फैसल रियाज तफसीलात दे रहे थे श्रीनगर के अंदर नमूनिया को लेकर किस तरह अस्पतालों के अंदर इंतजाम है, क्योंकि सर्दियों के आयाम शुरू होते ही वादी कश्मीर में ज्यादा ही लोग जो है वो इस बीमारी में मुब्तला पाए जाते हैं, खांसी की बीमारी में, और यही खांसी की वजह से ही जो है लोग जो है नमूनिया में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से इस तरह की बीमारियों में लोग जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं। पर इसमें कुछ अहम चीज़ें हैं, एक तरफ सरकार कह रही है कि अवेयरनेस दी जा रही है, स्कूलों के अंदर जाते हैं तो उन पे भी कितना असर पड़ेगा, क्योंकि हाल ही दिनों में आपने देखा होगा कि जो यहाँ के बड़े अस्पताल हैं वहाँ पे कई बच्चे जो है उनको एडमिट किया गया है, वो जेर इलाज है इसी बीमारी की वजह से, जिनको खांसी है, जिनको बुखार है। तो वो भी एक वजह है कि सर्दियों के आयाम में यहाँ पे स्कूलों के अंदर उस तरह का इंतजाम नहीं रखा गया है जिस तरह होना चाहिए। तो जो एडवाइस सरकार करती है, डॉक्टर्स करते हैं, पहले उस पर काम तो होना चाहिए। दूसरा बड़ा एक मामला जो है कि श्रीनगर के अस्पतालों के अंदर रेफरल केसेस ज़्यादा आते हैं, क्योंकि आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर उस तरह के इंतजाम नहीं रखे गए हैं लोगों के लिए, जिस वजह से वहाँ के डॉक्टर्स जो है वो पेशेंट्स को रेफर करते हैं यहाँ के चस्डीज हॉस्पिटल में या श्रीनगर के एसएमएचएस हॉस्पिटल में, जहाँ पर ज़्यादा ही इस बीमारी का इलाज होता है और ज़्यादातर लोग प्रेफर भी करते हैं इन अस्पतालों के अंदर जाना। पर वहाँ पर भीड़ ज़्यादा होने की वजह से बीमारों को वक्त पर इलाज भी नहीं मिल रहा है। अभी थोड़ी बहुत मौसम में बेहतरी है, इंतज़ामिया को चाहिए, सरकार को चाहिए कि पहले ही मुतहरिक रहे इस बीमारी को लेकर, के जितने ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट होगी, जितने ज़्यादा लोग नमूनिया में इन्वॉल्व होंगे, क्या उतनी फैसिलिटीज़ हम यहाँ पे रख पाएंगे, एक बड़ा सवाल ये भी है। इधर डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर ने ही एक हुक्मनामा जारी किया, एक ऑर्डर जारी किया है, जहां पे जो दूरदराज इलाके हैं जहां पे ज्यादातर बर्फबारी का असर रहता है, वहां पे जो जिला इंतजामिया हैं हेल्थ महकमे की, उनको मुतहरिक करके रखा गया है कि पहले ही वहां पे जो है फैसिलिटीज को रखा जाए दूरदराज इलाकों के अंदर, आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों के अंदर, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों के अंदर, कहीं लोगों को मुश्किलात ना हो, जो ही लोग अगर कोई बीमार है तो वो अस्पताल जाए तो वहां पे उनको प्रॉपरली इलाज मिलना चाहिए, वहां पे उनको मेडिसिन मिलना चाहिए। ये डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर की तरफ से एक ऑर्डर जारी किया गया है। पर क्या ये हुक्मनामा
हुक्मनामा ही रहेगा या इस पर कोई अमल भी होगा, क्योंकि पिछले साल भी हमने देखा कि लोग शिकायतें कर रहे हैं कि सर्दियों के आयाम में एक तो स्टाफ भी अवेलेबल नहीं रहता है, दूसरा कहीं अस्पताल में एम्बुलेंस की कमी, कहीं अस्पताल में मेडिसिन की कहीं कमी, तो ये सारी चीज़ें जो है सर्दियाँ बढ़ने से पहले, बर्फबारी बढ़ने से पहले सरकार ने इनकी तरफ तवज्जो दी है और कहा है कि हर एक अस्पताल के अंदर वाफिर मिकदार में स्टॉक जो है मेडिसिन का रखना चाहिए, वहाँ पे स्टाफ की स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहिए और जो बाकी लवाजमात हैं वो करनी चाहिए। ये हुक्मनामा जारी हुआ, अब इस हुक्मनामे पर क्या तामील होगी ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। चलिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के सिलसिले में आज अनंतनाग के अंदर एक रैली का इनेकाद किया गया है। जिला तरक्याती कमिश्नर सईद फखरुद्दीन हामिद इस रैली के अंदर खुद मौजूद रहे और इसमें बच्चों ने जोर दिया है कि हमें जो बेटियां हमारी हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए तालीम की ओर, क्योंकि अवेयरनेस ये मुहिम छेड़ी जा रही है सरकार की तरफ से कि आप अपनी बेटियों को पढ़ाओ, क्योंकि कई इलाकों में अभी भी ये रुझान है कि बेटियों को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इस हवाले से एक रैली का इनेकाद किया गया है, इस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर ने उस रैली को हरी झंडी भी दिखाई है और जोर दिया गया है आवाम पे इस तरह के प्रोग्रामों के ज़रिए कि अपनी बेटियों को पढ़ाओ, अपनी बेटियों को इस काबिल बनाओ कि वो अपना नाम कमा सके दुनिया में और वो उस पर फख्र महसूस करे लोग कि वो उस तरह कारनामे अंजाम दे। आजकल देखा जा रहा है कि ज़्यादातर तो अब रुझान जो है वो बढ़ चुका है, आजकल ज़्यादा बेटियां ही पढ़ती हैं और हर एक एग्ज़ाम की जब हम बात करते हैं उसमें जो बेटियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है उन्होंने मुतासिर किया है और हर एक एग्ज़ाम में वो कम्पीट भी करती है। पर सोशल वेलफेयर की एक कोशिश कि गांव-गांव जाकर लोगों को अवेयर करना है कि अपनी बेटियों को घरों के अंदर ना रखें बल्कि अपनी बेटियों को तालीम के नूर से रोशनास कराए। मेरी मीडिया से रिक्वेस्ट है कि आप ये मैसेज आगे ले जाए कि जो हमारी फर्ज है एज ए सोसाइटी, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, हमारी औरतों की बच्चियों की एजुकेशन हेल्थ के रिगार्डिंग, उसमें हमारा पूरा सपोर्ट करे, सहयोग दे। मैं पूरा सेटिस्फाइड हूँ जो हमारा डिपार्टमेंट इस विषय में काम कर रहा है और आगे भी जितने भी प्रोग्राम्स हैं ये हम कन्वर्जेंस तरीके से करेंगे। साथ में जो आजकल बैक टू विलेज 5 एडिशन हो रहे हैं उसमें भी हमने ये थीम रखा है बच्चों की, खासकर फीमेल चाइल्ड की हेल्थ के रिगार्डिंग कैसे किन किन स्कीम्स की उनकी अवेयरनेस देना और ऑन स्पॉट जहाँ जहाँ पे हमें पॉसिबल है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए किसी भी रिगार्डिंग वो। दूसरा हमारा जो फोकस है वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, जिसमें हमने ऑलमोस्ट सैचुरेशन हासिल की है लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर अगर अवेयरनेस की कमी है उसमें। नाजी बाजरा वादी कश्मीर में बिजली सप्लाई को लेकर करें, क्योंकि बिजली सप्लाई की जो सूरत हाल है वो जूं की तू है। हर साल तो वादे जरूर किए जाते हैं कि आइंदा साल तो बेहतरी जरूर आएगी, पर वो बेहतरी आज तक देखने को नहीं मिल रही है। साल तो गर्मियों के आयाम में यहाँ पे शेड्यूल जारी किया गया था पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जानिब से और सर्दियों की तो बात ही नहीं है, पर आवाम जो है वो कहीं ना कहीं परेशान है। जिला कुपवारा के हंदवारा के साथ साथ कई और इलाकों के लोगों ने शिकायत की है कि इलाके के अंदर बिजली की जो सप्लाई है, जो फरामी है, वो नाके बराबर है। यहाँ का जो सनतकार है वो भी परेशान है क्योंकि उसको बिजली दरकार है, उसको बिजली की ज़रूरत है। यहाँ का कारोबारी शख्स, उसको बिजली की ज़रूरत है, वो भी परेशान है। उसके साथ साथ आवाम भी परेशान है क्योंकि बिजली जो कटौती हो रही है उससे आवाम जो है परेशान है। पर जब कॉरपोरेशन की बात करते हैं, कॉरपोरेशन कह रहे हैं कि जो बिजली अभी आवाम को दी जा रही है वही मिल सकती हैं। जो ज़राए से हमें खबर मिल रही है कि इसमें बेहतरी आना अभी मुमकिन नहीं है क्योंकि सरकार इस पोजीशन में नहीं है कि वो और ज़्यादा बिजली खरीद सके, जो कि पर यूनिट 12 रुपये या 13 रुपये यूनिट उनको मिल रहा है, वो उस पोजीशन में नहीं है खरीद सके। पर सूरत हाल जो है वो अबतर है। हर साल दावे ज़रूर किए जाते हैं बेहतर होने के, पर वो बेहतरी अभी ज़मीन सतह पर कहीं नज़र नहीं आ रही है। बिजली के बारे में क्या कहेंगे, बिजली में के बारे में सब पर आयाम है। अभी नवंबर ही शुरू हुआ है तो जो चला कलाना अभी शुरू ही नहीं हुआ, तो पिछले नवंबर से पहले मेरे ख्याल में 15 अक्टूबर से ही यहाँ बिजली की आग मचोली है और ख़ासकर जो हमारा जो ये
डिस्ट्रिक्ट ऑन द होल, हंदवाड़ा सब डिवीजन, और अगर कहीं आवाम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं, सब खामोश है, बाजू बांध के बैठे हैं, तो लेकिन एक चीज है जरूर, एक बात जरूर यह है कि यहाँ जो ये जो खामोशी है आवामी मसाइल पर, अगर इसका अजाला वक्त पर नहीं किया जाएगा तो मुझे लग रहा है बावरी अगर कात करो शाह नमत रुपये बिल तो अस नो मकान तुर अग्रिमिनट तक लड़क ज अलग बस तुम लाइट बस मामूली लाइट टोच तुम अलग अलग फीस तो मे शाह नमत रुपये फीस तो पावर चुन शुपन तीन सिर्फ फीस कल तबस तिल फीस वोल वन वंद कुन तो वंद ब्रोटे अस बिजली कटवती पावर गायब ग शमा तमा तम खत ज्यादा लाइट ईस लम्पस वसान जुलम ग मरकजी गवर्नमेंटन वो असर खातर हा अन सहूलियत मगर मरकजी गवर्नमेंटन कोर यूत जुलम शुरू अच्छे हेकान नबर तेरह तमुल फ्री मगर अस बसान ये नकद पोसन यूत जुलम गासल अनंतनाग गांधरबल में एक राबता सड़क तामीर की जा रही है, इसको लेकर लोगों के अंदर दो ग्रुप जो है वो बने हुए हैं, लोग दो ग्रुपों के अंदर तकसीम हुए हैं, एक कह रहे हैं कि सड़क तामीर होनी चाहिए और दूसरे लोग कह रहे हैं कि सड़क जहां से ये तामीर हो रही है वहां से तामीर नहीं हो रही है। उनका कहना है कि जहां से इसको तामीर किया जा रहा है ये एक नाला है और नाले के अंदर ही सड़क को तामीर किया जा रहा है, दूसरा कि उन लोगों की इसमें मिल्कियती ज़मीन है जो इस सड़क के अंदर ली जा रही है, उनको मिल्कियती ज़मीन का मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है और इस पर जो है सड़क बनाई जा रही है। उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया से अपील की है कि इस मामले पर वो मुदाखलत करें। मैं छतरपुर मल्ला कासल का रहने वाला हूँ। सर हमारा मतालबा गवर्नमेंट से ये है कि जो ये रोड है ये एक नाले से निकाली है, नाला जो है वो ऊपर से बहुत दूर से निकल कर आता है, हमारी बैग से निकल कर आता है। जब ये नाला बहता है इसमें इंसानों की बात नहीं है, जानवर दरख्त पत्थर सब कुछ बहकर नाले में चला जाता है, उस वक्त ये मकानों को नहीं देखेगी। हम ये कहते हैं कि ये गवर्नमेंट के पैसे जो हैं ये आवाम के काम आना चाहिए, ये आवाम के पैसे हैं, ये किसी साइड पे लगना चाहिए। अगर मल्ले की बात करें, मल्ले को देखा जाए तो उस साइड से ज़मीन को देखा जाए, उस साइड से लोगों को देखा जाए, कितनी बस्ती जो है वो उस साइड में रहेगी और कितनी बस्ती जो है वो इस साइड में रहेगी। रोड के हम खिलाफ़ नहीं है, उस साइड से जो पुराना रोड है वो हमारी मलकी ज़मीन से निकल कर चलती है, अगर वहाँ से ये निकालेगा तो अगर हमारे दो चार मरले और भी उसमें चले जाएंगे मलकी की ज़मीन के, हमें उसमें एतराज़ नहीं है। दूसरा मसला ये है कि जदी पजदी हमारे बाप दादा का कब्रिस्तान है यहाँ पर, इन्होंने पिछले साल क्या किया, जेसीबी लगाया और कब्रिस्तान को उखाड़ कर फेंक दिया, ये अहले हनूद है, इसके साथ किसी की छेड़ने की कोई ताकत नहीं रख सकता है। एक मल्ले में रोड हम नहीं जाने देंगे। इसके बारे में यह है कि जो नवाड की गाइडलाइंस है उसमें पहले ही अप्रूवल ऑफ द प्रोजेक्ट, इसका जो साइट प्लान है अप्रूव हो जाता है, उस साइट प्लान को हम ज्यूरिंग एजुकेशन चेंज नहीं कर सकते। हाँ अगर उनकी कुछ डिमांड है तो वो हमारे सामने वो डिमांड रखें तो हम चीफ साहब के साथ वो मैटर टेकअप करके। लोरन के बटकुट में राबता पुल की अदम दस्तियाबी की वजह से अवाम को शदीद मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। अवाम शिकायत कर रही है कि बटकुट से रिछान जाने वाली वाले जो सड़क है उस पर दरिया के पास जो राबता पुल होना चाहिए वह न होने की वजह से जो अवाम को दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये दरिया उनको पार करना पड़ रहा है, जब पानी का बहाव ज़्यादा होता है तो वो पार नहीं कर पाते हैं और उनको काफ़ी दूर से जाकर अपने इलाके में या अपने इलाके से बाहर जाना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि इस पुल पे काम भी शुरू किया गया था दो साल पहले पर फिर नामालूम वजूहात के बिना पर ये काम रोक दिया गया है। इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की लोगों ने। ये तो कम से कम दो डेढ़ साल से ये पुल जो है लगा यहाँ पे था, यहाँ पे जो काम शुरू हुआ था
आज तक जो है ये काम वो ठेकेदार जो है वो छोड़ कर गया, उसके बाद जो ठेकेदार ने नजर नहीं मारी। अब ये पता नहीं डिपार्टमेंट ने उसकी बिल कितनी बनाई है और क्या हुआ अभी यहाँ पता नहीं। यहाँ से जो है तीन वार्डों का रास्ता जो है ये है, जहाँ पे कुलियाँ है, दुगाबन है, प्लस जो है हमारा रिछावली है मेन, और इसमें से जो है बड़ी सारी सहूलियात जो थी ये स्कूल के जरिए से हमें हो जाती थी। हाई स्कूल में बच्चे आते थे इन वार्डों तीनों के, उसके साथ साथ जो है हमारे पेशेंट जो डिलीवरी केस कोई होता है, कोई बीमार होता है, जब यहाँ पे बारिश आती है नाला चढ़ता है और नाले के वजह से जो है यहाँ पे फिर लोगों को जो है काफी दूर से जाकर और वो रास्ता जो है अपना इस्तेमाल करना पड़ता है। इंतजामिया से आज हमारी डीसी साहब से रिक्वेस्ट है हमारी, ये जल्द से जल्द जो है ये पुल लगाना चाहिए यहाँ पे और इन लोगों को जो है यहाँ से सहूलियत हो सके। बाजरा जिला पुलवामा की करते हैं, जिला पुलवामा का जो कस्बा है, टाउन है पुलवामा का, वहां पर साफ सफाई को बरकरार रखने के लिए और जहाँ कहीं भी गंदगी है वो गंदगी के ढेर से पुलवामा को साफ रखने के लिए कई प्रोजेक्ट्स जो है वो ज़िला इंतजामिया की तरफ से हाथ में लिए गए हैं, जिन पर दो पर काम भी चल रहा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोग्राम के तहत, और दो प्रोजेक्ट जो है वो ज़ेर तामीर है। इससे ज़िला पुलवामा के अंदर साफ सफाई रहेगी और इससे आवाम को फ़ायदा मिलेगा। कस्बे के आवाम ने इस प्रोग्राम को लेकर ज़िला इंतज़ामिया का और जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया का शुक्रिया भी अदा किया। सबसे पहले मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि ये कोई डंपिंग साइट नहीं है, चाहे हम सेग्रीगेशन शेड की बात करें जो हम पंचायत हलके में बना रहे हैं, या जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट जो डिस्ट्रिक्ट में चार प्रोजेक्ट जो बनाने हैं, जिसमें एक लासीपोरा में है और दूसरा निवा में है जो कि अभी कंप्लीट हो रहे हैं। सबसे पहले लोग सुने, अगर ये गार्बेज होगा तो हमें वो गाँव से एक गाँव से लेकर दूसरे गाँव में नहीं लेना था अगर ये गार्बेज होगा। ये एक जो साइंटिफिक तरीके से जो एक डिस्पोज हो रहा है, सेग्रीगेशन हो रहा है, इसमें एक हमें जो भी वेस्टेज जो कलेक्ट होगा जहाँ से भी होगा, चाहे वो सेग्रीगेशन शेडों से होगा चाहे वो गाँव से होगा, इसमें आपको जो दोबारा इस्तेमाल में लाए जाएंगे, जैसे हम रिसाइकलिंग की बात करते हैं, वो दोबारा इस्तेमाल में लाया जाएगा, रिसाइकल में लाया जाएगा, और जो इसमें बाकी जो बचेगा उसको साइंटिफिक तरीके से डिस्पोज ऑफ साइड। एक्चुअली ये जो यहाँ ये जो बन रहा है ये एक्चुअली डंपिंग साइट नहीं है, इसके लिए एक गवर्नमेंट ने जो प्रोजेक्ट बनाया है यहाँ, ये इसमें ये जो सॉलिड वेस्ट प्रोग्राम है इसमें ये रिसाइकल हो जाएगा और इसमें जो बाकी मटेरियल बच जाएगा उसमें फर्टिलाइज़र के तौर पर, ये खाद के तौर पर इसको चेंज किया जाएगा, और यही प्रोग्राम है ये जिससे ये हमारी ये जो यहाँ जितना भी वेस्ट मैनेजमेंट वेस्ट मटेरियल है ये यहाँ रिसाइकल होके और दोबारा काम में ला जाए, और इससे हमारे बहुत फ़ायदे हैं, क्योंकि एक तो आलूदगी से हम बच जाए, दूसरा हमें नदी नालों में ये डालते थे उससे भी बच जाएंगे और लोगों में ये खर्चा। नाज़रीन के साथ ही अभी तक के खबरनामे बस इतना ही, आप गुलिस्तान न्यूज़ के साथ जुड़े रहे, गुलिस्तान न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।